अपने वचनों में लेकर सारा अपने अधीन कर लिया और कह दिया कि आपने 100 बार सोना मेरा पूरा करना है। अब रानी मदनावत, लड़का रोहतास और राजा हरिचंदर काशी शहर में पहुंच जाते हैं और ऋषि से कह दिया, ऋषिवर चाहे हमने अपने आप को देखना पड़े, आपका 100 बार सोना पूरा जरूर करेंगे। काशी शहर में जाके एक मुनादी वाला बुला लिया और उसको कह दिया कि बच्चा सारे शहर में मुनादी कर दे, 3 नौकर है, अगर किसी ने जरूरत है तो खरीद सकता है। अब सारे शहर में मुनादी करवाई उसने और उसी शहर में एक पंडित रामलाल था, उसने मदनावत को और लड़के रोहतास को 50 बार में खरीदा। एक कालिया नाम का भंगी था उसी शहर में, उसने राजा हरिश्चंद्र को 50 बार सोने में खरीदा और ऋषि के 100 बार पूरे करके दे दिए। लेकिन नगरी के लोग देख के उनके मजाक उड़ावे हैं, अगर करके ना खा जाता देख अपने आप को बेक लिया, बच्चा है इनके साथ, कितनी सूत्री औरत है, अरे भाई अपने आप को बेक कर दे, किसा बेगन कर रहे हैं। अब राजा हरिश्चंद्र विचार करता है कि भाई कदे तो लोग मारे मांग रहा करते, लेकिन आज समय का ऐसा चक्कर है कि मैं पराया होके पराधीन होके अरे भाई दर दर का भिखारी बन रहा। तो एक बात में राजा हरिश्चंद्र विचार करते हैं और नगरी के लोग उनके बारे में क्या विचार करते हैं, दादा मुंशी ने एक बात में क्या कहा और क्या कहा बना? भाई मोनू प्रेमी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है, धन्यवाद। विचार करता राजा हरिश्चंद्र के भाई शायद पूर्व में कोई ऐसा कर्म करा है जो आगे आने करे ना, तो ये दिन तो कोई भी ना देख रहा, अपने रानी व्यक्ति मैं बेटा लड़का बेचना पड़ा। क्या लिखा पहली कड़ी में, तीनों देख के काशी में, तीनों देख के काशी में, तीनों
के काशी में रहती हूँ, दिल के काशी में। हरिशंग जी जांगड़ा गाओ। राजगीर जी खटकड़ 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता है, धन्यवाद। तीनों प्राणियों के दाम लग गए 50 बार, मंगनाथ के लड़के रोहतास पर 50 बार, राजा हरिश्चंद्र के दोहा के बाहर 50 बटे और 50 एक। क्या कहा कृपया भाई रे, मैं के चले जाऊं।